इश्क मेरी प्यारी माँ मैं कौन हूँ ये मेरी दोस्ती and many more films which are unnamed. In month of June 2016, he launched music of his film Dream City Mumbai under Sai Record, which was composed by music director Damodar Rao. Thank you, ma'am. मेरे पिता समान मेरे माता जी और उन मुशाला ग्रुप से पापा जी मेरा छोटा भाई सूरज जी आरफ जी और यहाँ पे बैठे हुए मेरे वो नौजवान दोस्तों अमेरिका के अंदर जा करके वो चांद को छुआ करनाल की एक गरीब परिवार की एक स्टूडेंट थी पर दुनिया के अंदर करनाल का नाम हरियाणा का नाम हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया. अब चाहिए हमने पैसा कमाना है बड़े होकर के हमने माता पिता के लिए काम करना है बड़े होकर हम शादी होगी हम अपने लिए अपने बच्चों के लिए काम करेंगे. सबसे बड़ा मकसद नेशन इज फर्स्ट प्रथम राष्ट्र सबसे बड़ी हमारी मातृभूमि हमने उसकी सेवा करनी है. जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे. जिन्होंने मातृभूमि को अपनी सबसे बड़ी मां मान लिया वो व्यक्ति वो स्टूडेंट वो फौज का जवान सुरक्षा करने वाला कभी भी कमजोर नहीं हो सकता. एक मां वो पेट से जन्म देती है. एक वो मां मातृभूमि जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर को अपने आंचल में समा के रखती है. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को अपने आंचल में समा के इकट्ठा करके रखती है. वो है जिसका नाम है भारत माँ. दुनिया के अंदर जर्मनी फ्रांस इटली चाइना जर्मनी पेरिस इजराइल कितने भी कंट्री ले लो किसी के आगे माँ नहीं लगता है. दुनिया के अंदर एक ही देश है वो है हिंदुस्तान जिसके आगे लगता है भारत माँ. उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य. जहां लाला लाजपत राय जिनको लाठियों से शहीद कर दिया गया यहां गुरु गोविंद सिंह महाराज यहां गुरु तेग बहादुर महाराज जिनको हिंद की चादर कहते थे यहाँ उनके साहबजादे जिन दो साहबजादों को नियो में चिनवा दिया 8-8 साल की उम्र के अंदर ये वो खून से लथपथ धरती भारत माँ जिसकी रक्षा करना हमारा सबसे पहले कर्तव्य होना चाहिए. मातृभूमि अगर मजबूत है तो आप इस राष्ट्र ये कभी कमजोर हमारे धर्म कभी कमजोर नहीं हो सकते. अगर मातृभूमि कमजोर है तो राम जन्मभूमि के ऊपर आतंकवादियों के ऊपर हमला हुआ. अगर मातृभूमि कमजोर थी तो अक्षरधाम पे हमला हुआ. अगर मातृभूमि कमजोर थी तो हरमंदर साहब के ऊपर हमला हुआ. अगर मातृभूमि कमजोर थी तो अजमेर शरीफ पे हमला हुआ. अगर मातृभूमि कमजोर थी तो गिरजाघर के ऊपर हमला हुआ. बचपन के अंदर दोस्तों के साथ हमारे अंदर से वो नारे निकलते थे भारत माँ के चार सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत एक धर्म अनेक ये नारे निकलते थे. मैंने 7 साल की उम्र में इस मातृभूमि की आजादी की रक्षा की शुरुआत की थी. मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ एक तरफ हरमंदर साहब गुरु महाराज की वो पवित्र नगरी जहां दुनिया सिर झुकाती है एक तरफ वो जलियांवाला बाग
जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। अपने ग्रैंड फादर के साथ उन्होंने मेरी उंगल पकड़ी हुई थी। उनको कुछ दिन के बाद एक सवाल पूछा कि ये दीवारों के ऊपर निशान किस चीज के हैं, तो मेरे ग्रैंड फादर ने बताया ये उस जनरल डायर की गोलियों के निशान है जिन्होंने हिंदुस्तान को जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हिंदुस्तान के बम इसलिए फेंक दिया गया, हम मातृभूमि की आजादी की रक्षा ना कर पाए, हम खून से बने हुए इस तिरंगे झंडे की रक्षा ना कर पाए। 12 बजे हम तिरंगा झंडा लहराने लगे, आतंकवादी मंच पे आए, खालिस्तान के नारे लगाने लगे, पर जिंदाबाद हमने नहीं बोलने दिया, वहीं पकड़ा और फिर उन्होंने कहा अब तिरंगे झंडे को उतार के आग लगाएंगे। उनके अंदर भीड़ थी, AK-47 बारूद था, इतना दूर होगा जितने हमारा होटल है सूरज जी का, इतनी दूरी होगी, हजारों लोग आ सकते थे, पर मातृभूमि वंदे मातरम उस तिरंगे झंडे की इतनी शक्ति और ताकत थी। 5 बजे तक आप जैसे स्टूडेंट दोस्तों के साथ हम तिरंगे झंडे के नीचे पहरा देते रहे। सूरज डूबने लगा, 5 बजने लगे, खून से बने हुए तिरंगे झंडे को उतार करके वंदे मातरम भारत हिंदुस्तान से अलग करने के दीवारों के ऊपर स्लोगन लिखे होते थे। कोई भी कौम और मजहब हो जो खालिस्तान चाहते हैं इधर रहे, पंजाब छोड़ के चले जाएं। हम एक स्कूटर के ऊपर अपने नौजवान दोस्त के साथ, एक हाथ में काला रंग, एक हाथ में चिट्टा रंग और हाथ में बुरज, दीवारों को मिटा करके लिखा करते थे भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, और वो गोलियां चलाते थे, बम चलाते थे, और हम कहते थे वो शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करते हुए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना भादुए का दिल में है। मेरे नौजवान दोस्त राष्ट्र को कमजोर किया जिन्होंने उन शहादतों का अपमान किया, आज अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के शहीदों की रूह अगर आप ऊपर से देखती होगी, आज के उन नेताओं को देख करके जिन्होंने भारत माता को नोच नोच के खाया है, रोती होगी, तड़पती होगी, हमने कैसा भारत दिया था, इन्होंने कैसा भारत बनाया है। तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना है, पर जब लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, उनके दो बेटे, उनके कारों के ऊपर जब तिरंगे झंडे लहराए जाते हैं जिनको बोलने की तमीज नहीं, जो बड़े बड़े मंचों पे कहते हैं हम नरेंद्र मोदी की चमड़ी को उधेड़ लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी, वो नरेंद्र मोदी जिन्हें भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने जवानों को खुली छूट दे दी, एक गोली चलती है पाकिस्तान से 100 गोली का जवाब पाकिस्तान को दिया जाता है। संस्कृति धर्म हर को अपनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वंदे मातरम जय। मूवीज लाइक दबंग, बोल बच्चन, एजेंट विनोद एंड मेनी अदर्स, ही हैज गिवन हिज वॉइस इन वेरियस जेनर्स लाइक सूफी, थुमरी, गजल, रोमांटिक एंड क्लासिक। His superhit songs were Mere Rakshe Kamar, Jalte Diye from Prem Ratandhan Payo, Tere Naina from Jai Ho. He's the voice behind Salman. Wo Bhagat Singh, वो और भी लोग जिनको हमने नहीं देखा, उस रूप में आज हम बिट्टा जी को देख रहे हैं, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। और आप लोगों ने मेरे काफी गाने सुने होंगे,
कि दिल करे छू चै छू तेरे रहना बड़े कातिल मार ही डालेंगे हम का पीनी है रश के कमर जलते दिए तो पहले मैं खैर मकदम करता हूं क्योंकि बेटा जी हमारे सामने हैं